दोस्तों, फूलन देवी के बिना न तो इंडिया की डकैती की कहानी पूरी हो सकती है और न ही चंबल की व्याख्या पूरी होगी। एक ऐसी महिला जो बचपन में अपनी जमीन के लिए लड़ी, बालिका वधू बनी, पति द्वारा यौन शोषण झेला, गैंगरेप का शिकार बनी और आगे चलकर बैंडिट क्वीन के नाम से मशहूर हुई। दोस्तों, फूलन देवी चंबल के भीड़ से निकलकर पार्लियामेंट तक का सफर तय करती हैं। दोस्तों, फूलन देवी का जन्म 1963 में उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट के गोरा का पूर्वा नाम ग्राम में हुआ था। एक अत्यंत गरीब मल्ला परिवार में जन्मी फूलन देवी अपने चारों भाई बहन में सबसे छोटी थी। बचपन से ही फूलन एक बेहद गुस्से वाली लड़की थी जो अपने हक के लिए लड़ना जानती थी। ये बात सारे लोगों के सामने तभी आ गई थी जब फूलन केवल 10 साल की थी और उनके चाचा द्वारा अपनी जमीन हड़पने के विरोध में खुद से उम्र में 20 साल बड़े अपने चचेरे भाइयों से लड़ गई थी। फूलन की लड़ाइयाँ इसके बाद भी नहीं रुकी और अक्सर उनके घर वालों को फूलन के इस तेज गुस्से के कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। इसका एक प्रमुख कारण ये भी था कि तब के उत्तर प्रदेश के पिछड़े गांव में एक मल्लाह की बेटी का दूसरे लड़कों से लड़ जाना समाज के लिए गवारा नहीं था। इन सारी शिकायतों से तंग आकर फूलन देवी के पिता ने उनकी शादी उम्र में 3 गुना बड़े एक व्यक्ति पुट्टीलाल से करा दी। फूलन की उम्र लगभग 12 से 14 साल रही होगी और पुट्टीलाल 40 साल का था। दोस्तों, फूलन देवी शादी के समय न तो शारीरिक रूप से और न ही मानसिक रूप से एक गृहस्थ जीवन के लिए तैयार थी, लेकिन फूलन के पति पुट्टीलाल ने इन सबको नजरअंदाज करते हुए उनका यौन शोषण किया। ये समय जिसको फूलन देवी को अपने पति के साथ गुजारना पड़ा, उसने फूलन देवी की मानसिकता पर एक गहरा प्रभाव डाला। फूलन इस मुसीबत से बचकर कई बार अपने घर भागकर आया करती थीं, लेकिन माँ बाप द्वारा उन्हें दोबारा पति के साथ भेज दिया जाता था, जहाँ फूलन देवी को उसी जबरदस्ती के साथ हर रात गुजरना पड़ता था। एक बार जब फूलन अपने पति के घर से भागकर अपने पिता के पास आई तो उनके पिता ने फूलन से पीछा छुटाने के लिए उनकी पुलिस में एक झूठी शिकायत दर्ज कराई कि फूलन ने उनकी सोने की अंगूठी चुराई है। पुलिस फूलन को अरेस्ट कर लेती है और कहा जाता है कि लॉकअप में गुजारे गए तो 3 दिन के दौरान पुलिस वालों के द्वारा भी फूलन का रेप किया गया था। जेल से छूटने के बाद उनके पिता द्वारा वापस उनको उनके पति के पास भेज दिया जाता है, लेकिन इस बार फूलन अपने पति के पास पहुंचती है तो पता चलता है कि उसके द्वारा दूसरी शादी कर ली गई है। इसके बाद भी फूलन कुछ समय तक वहीं रहती है, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें उनके पिता के पास वापस भेज दिया जाता है। इस समय तक फूलन देवी का नाम मल्लाह कम्युनिटी के लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने लगा था और गांव में रहते हुए फूलन की पहचान उन लोगों से होने लगी जो चंबल के गिरोह में डकैत थे। 1979 में फूलन एक दिन अचानक चंबल पहुंच जाती है। इसके पीछे की कहानी दो बताई जाती है। एक कहानी के अनुसार चंबल में मल्लाहों का एक गैंग, जिसमें फूलन देवी के गांव के कुछ लोग भी थे, उन्होंने उसके अंदर के बागी को देखते हुए उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। दूसरी कहानी के अनुसार चंबल के डाकुओं की एक गैंग ने फूलन का अपहरण कर ले गए। वजह चाहे कोई भी रही हो, लेकिन यहाँ से फूलन देवी की कहानी का वो स्टेज शुरू होता है जिसने उसे आगे चलकर बैंडेड क्वीन बनाया। जब फूलन चंबल पहुंची तो वहाँ के गुरोह की बाबू गुर्जर नाम का एक डाकू लीड कर रहा था। गैंग का डिप्टी विक्रम मल्लाह था, जो फूलन देवी की जात का था। कहा जाता है कि शुरू से ही विक्रम मल्लाह और फूलन देवी के अच्छे रिश्ते थे। शायद एक कारण ये भी था कि दोनों का एक ही जाति का होना। एक दिन बाबू गुर्जर की नीयत फूलन देवी पर पड़ती है तो दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि विक्रम मल्लाह बाबू गुर्जर को गोली मार देता है और खुद गैंग को लीड करने लगता है। इसके बाद विक्रम मल्लाह और फूलन देवी के प्यार की बातें पूरे गिरोह में फैल जाती हैं। विक्रम मल्लाह फूलन देवी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता है। इसी बीच फूलन देवी अपने पति पुट्टीलाल के गांव आती है और बीच चौक में पुट्टीलाल को मार मार कर अधमरा कर देती है और फूलन देवी ऐलान कर देती है कि आज के बाद कोई भी अगर इस गांव में बच्ची से शादी करेगा तो उसका भी यही हाल होगा और फूलन देवी की गोली का शिकार होगा। दोस्तों, इसके आगे की कहानी अगले पार्ट में हम आपको सुनाएंगे। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू।